दूर देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं हो गए, कुछ कुछ हुए कतले प्यार में सावधान। सरकार ने कितने नियम बनाए हैं, कितने कानून बनाए हैं, लेकिन हम आप और हर आम आदमी उन नियमों को रोज तोड़ते हैं। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना सख्त मना होता है, लेकिन वो आदमी फोन पर बात किए जा रहा था, पहला नियम टूटा। नो पार्किंग में टेम्पो का पार्क होना दूसरा नियम टूटा। वन वे में रॉन्ग साइड से टेम्पो का आना तीसरा नियम टूटा। और इसका हर्ष क्या हुआ, एक आदमी जो लंच के समय अपने घर परिवार अपनी बीवी से मिलने जा रहा था, उसकी मौत हो जाती। मगर क्या ये मौत आम थी? क्या इस मौत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस मौत के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? नो पार्किंग में टेम्पो का पार्क होना, वन वे में गलत साइड से उस टेम्पो का आना, खासतौर से तब जब बाइक वाला उसके बहुत ही नजदीक पहुंच चुका था, इस मौत को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? इसे देखकर कई सवाल मन में जन्म लेते हैं, इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरने वाला आदमी कौन था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। जा बेटा, बहू अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अम्मी, बहू तो आपकी हमारी पहली बेगम थी, उसके सिवा हम किसी और का अपने मन में ख्याल भी नहीं ला सकते। बेटे, काश तुम्हारे छोटे भाई ने हमारी बात मानकर निकाह कर लिया होता तो आज तुम्हें इस गम से गुजरना ना पड़ता। खुदा की इबारत कौन बदल सकता है, अब बिन माँ के बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें दोबारा निकाह करना पड़ा। दादी, हमें अम्मी की बहुत याद आ रही है। बेटा रियाज, आओ अम्मी के पास चले, वो बहुत ही अच्छी अम्मी है, बड़ा अच्छा ख्याल रखेगी तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। आओ बेटा, आइए, स्वागत है आपका। कहाँ रह गए थे आप? कुछ नहीं, बस यूं ही अम्मी अबू से बातें करने लगा था। ये वक्त अम्मी अबू से बातें करने का नहीं, बल्कि हमसे बातें करने का है। तुमसे क्या बात करूं मैं, निकाह से पहले हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। खैर, हमारे बेटे रियाज से मिली तू? हाँ, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। बस इसे ही प्यार करने का फर्ज निभाना है तुम्हें अच्छे से। जाओ, इसे इसके कमरे में ले जाओ, सुला दो। जाओ। अरे, इसे क्या सुलाना, ये तो खुद ही इतना समझदार है, खुद ही सो जाएगा, है ना? नहीं, अभी अभी हमने क्या कहा सुना नहीं आपने? सिर्फ इसे ही प्यार करने का फर्ज निभाना है आपको अच्छे से। जाओ, इसे इसके कमरे में ले जाओ और सुला दो। जी, चलो रेहान। जाओ बेटा। या खुदा, ये कैसी तकदीर है, ये तो इस बात पे अड़ गए हैं
कि ये हमें इसलिए ब्याह कर लाए हैं ताकि हम इनकी उस मरहूम बीबी की औलाद को पाल सके। अरे ब्याह के बाद हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, हमारी भी तो कोई जिंदगी है, अरे हमारी भी तो कुछ इच्छाएं। या अल्लाह क्या कसूर था हमारा, क्यों दी हमें ऐसी सजा। अगर हमें ऐसे बुढ़े के हाथी ब्याहना था तो क्यों बनाए हमें इतनी हंसी, इतनी खूबसूरत। अरे एक वक्त था जब मोहल्ले के सारे लड़के हम पे फिदा थे, एक ने तो हमारे लिए जान तक देने की कोशिश की, पर हमने हमने कभी किसी को भी तवज्जो नहीं दी। शायद उन्हीं गुनाहों की सजा भुगत रहे हम इस उम्र दराज इंसान से निकाह करके। काश किसी नौजवान का प्यार स्वीकार कर लिया होता हमने तो आज हमें इस तरह से अपनी जवानी पर तड़पना ना पड़ता। अरे भाभी जान जरा संभाल के। अच्छा अब गाड़ी नहीं चला रही थी वरना हमारी तो जान ही चली जाती। जान चली जाती वो भी इतनी हंसी टक्कर से। वैसे जिस्म तो काफी शानदार बना रखा है, कुछ ताकत भी है या सिर्फ ऐसे ही। जिम में काफी मेहनत करता हूँ मैं। अच्छा हमें तो यकीन नहीं है इस बात पे। दिखाऊं अपनी ताकत, दिखाऊं? अरे ये देखो। अरे देवर जी क्या कर रहे हैं आप? और दिखाओ ताकत। अरे भाई जान ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी जान खूबसूरत लड़कियों के लिए मार खाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं। तो आने दो तुम्हारे भाई जान को, देखते हैं कितनी मार खाते हो। तो ये लीजिए ना दूध। भाभी जान अभी मन नहीं है। अरे पी लीजिए ना, नहीं पियेंगे तो ताकत कहाँ से आएगी और फिर आप हमें दोबारा गोद में कैसे उठाएंगे। अगर जान की बात है तो ताकत की हमसे ज्यादा जरूरत आपको है, तो एक काम करिए ये दूध आप पी लीजिए। अच्छा तो आपको लगता है कि हमारे जिसमें ताकत नहीं है? हाँ? अरे भाभी बताओ क्या बता, भाभी ताकत नहीं है? भाभी क्या 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 कर रहा भाभी क्या कर क्या कर भाभी जान ताकत भाभी जान क्या भाभी भाभी जान हटिए ना क्या कर रहे नवाज ये क्या बात अभी सही है भाई जान। देखिए ना अली साहब आप जब भी नहीं होते ना तो मुझे हाथ लगाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। नवाज शर्म नहीं आती तुम्हें? माफी मांगो, माफी मांगो भाभी जान से। अरे भाईजान भाईजान बात तो सुनिए, नवाज हमने कहा माफी मांगो वरना। अली साहब जाने दीजिए ना, आपने कहा था ना कि अभी तक ये बच्चा है तो शायद ये उनके बचपना ही होगा, छोड़ दीजिए। फिर भी माफी मांगे, माफी मांगो भाभी जान, माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। ध्यान रहे नवाज दोबारा ऐसी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो रे आना। भाभी जान क्या कर भाभी जान हटिए ना क्या कर रहे। हमने कहा माफी मांगो वरना। अली साहब जाने दीजिए ना, आपने कहा था ना कि अभी तक ये बच्चा है तो शायद ये उनके बचपना ही होगा। हुआ देवर जी? अरे भाभी जान आप यहाँ क्यों? हम यहाँ नहीं आ सकते क्या?
आश्रम नहीं आ सकती। यहाँ जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। सब? जी हाँ। और तुम भी? क्या मतलब? मतलब तुम तो एक ही डांट में चुप हो गए। हमें तो लगा था कि तुम चुप चुप के, हमारा मतलब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मैं अक्सर यही कह दिया करूँगी कि तुम किसी ना किसी बहाने मुझसे लिपट जाया करते हो, हाथ पकड़ सकते हो। तुम्हारे अब्बू और भैया देखेंगे तो क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे, मारेंगे। सुन लेना डांट, आखिर जिंदगी का मजा तो मौज करने में ही है ना। बड़े भाई की तो उम्र हो गई है, उनसे तो कुछ होता जाता है नहीं। हाँ, लगता है छोटे भाई की जवानी भी किसी काम की नहीं है। एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता कोई यहाँ पर। अरे देवा जी, मैं देती हूँ ना। हम पिलाते हैं आपको पानी। ये लीजिए ना। देवर जी क्या कर रहे हैं? ये गिरा लिया आपने? दोस्तों, रेहाना के पति और उसके सास ससुर को ये बात पता ही नहीं थी कि जो रेहाना बात बात पर अपने देवर की शिकायत करती रहती है, वही रेहाना अपने देवर को अकेला पाने पर उससे लिपट जाती है, उसे अपने बाहों में भरने की कोशिश करती रहती है। और अगर गलती से किसी ने देख भी लिया तो उसके देवर ने ऐसा किया, उसके देवर ने वैसा किया, ये कहती रहती है। आखिर उसका देवर कब तक शांत रहेगा? कब तक अपने भाई की डांट सुनेगा वो? एक दिन उसने कह ही दिया। भाभी जान, अब तो रहा नहीं जाता। रात को आप भाई जान के साथ रहती हो, ये एहसास भी सहन नहीं होता। मैं जानती हूँ। तो कुछ ऐसा करो ना कि भाई जान रहे ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी जान? उनकी जान लेकर। क्या मतलब? अरे मैं समझाती हूँ ना, हम उन्हें अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। देखो ये लो पुड़िया, जब तुम्हारे भाईजान काम पे जा रहे होंगे ना, तब उन्हें ये दूध में मिलाकर पिला देना। और जब वो घर लौटने लगेंगे तो रास्ते में ही उन्हें नींद आने लगी और उनके बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा और इस तरह उनका किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और इस किस्से में कहीं तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। भाईजान, 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 ये दूध पीकर जाइए। दूध? हाँ भाईजान, ये आज ही हमारे जिम में आया है और आज ही हमारे जिम ट्रेनर ने दिया है। इसको पीने से पूरे दिन भर फुर्ती बनी रहती है। अरे मेरे भाई नवाज, तुम्हें पता है जो ताकत अनाज खाने में है वो इस पाउडर शाउडर में नहीं है, समझा? हाँ भाईजान, लेकिन प्लीज एक बार पी के तो देखो, अगर अच्छा ना लगे तो कल से मत पीना। प्लीज भाईजान, एक बार मेरे लिए। चला, अब छोटी छोटी बातों के लिए छोटा भाई इतनी रिक्वेस्ट करे हमें पसंद नहीं। ये ले, खुश? अब जाओ काम पे।
क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? किसकी नजर लग गई? अभी अभी आपने बेटे की परवरिश के लिए निकाह किया, कैसे हो गया ये? क्या हो गया हमारी बहू के साथ? अम्मी शांत हो जाइए। अम्मी चलिए अबू को उनके कमरे में ले जाइए, देखिए ना क्या हालत बना रखी है। और भाभी आप भी अपने आप को संभालिए, अगर आप ही टूट जाएंगे तो उनके बच्चे का क्या होगा? चलिए आओ रियाज, हमारे बच्चे चलो हमारे कमरे में। असमले की माँ होने को कौन टाल सकता है? अब जो हो रहा है उसे तो टालना होगा। मैं समझी नहीं। बहू कह रही थी कि नवाज उस पर डोरे डालता है, हमें लगता है बहू ही ऐसी है, अभी अभी हमने देखा। अजी ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? जो औरत अपने पति के लिए इतनी दुआएं मांगे, इतनी रोजा रखे, क्या वो ऐसा कर सकती है? इसीलिए तो अभी हम उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। जब उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, उसकी करतूत के पत्ते आपके सामने खोलेंगे। इतनी रात तुम यहाँ बहू के कमरे की तरफ? वो हाँ मैं दवाइयां देने जा रहा था भाभी जान को। कोई जरूरत नहीं है, वो सो चुकी है। बहू रेहाना, बहू जी अबू कहाँ जा रही हो? वो हम गला सूख गया है, पानी पीने जा रही थी। हाँ पानी पीने जा रही थी। हमारे लिए भी एक गिलास ले आओ। जी अबू। ए लीजिए अबू। बहू कहाँ जा रही हो? वो मैं अपने कमरे की तरफ कमरे में जा रही थी। तुम्हारा कमरा तो इधर है। हाँ हाँ। तुम तो पानी पीने जा रही थी, गला सूख रहा है, लगता है परेशान हो, ये लो पानी पी लो। नहीं अबू मैंने पी लिया, आप पीजिए ना। लगता है प्यास बुझ गई। ये भाभी जान भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। बेटा नवाज। अब्बू आप यहाँ? वही तो हम सोच रहे हैं, इतनी रात तुम यहाँ बहू के कमरे की तरफ? अरे नहीं वो हाँ मैं दवाइयां देने जा रहा था भाभी जान को। कोई जरूरत नहीं है, वो सो चुकी है। दवाई तो आराम करने के लिए होती है, वो आराम कर रही है। जाओ तुम भी अपने कमरे में सो जाओ। खड़े क्यों? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। नहीं आ पाए हम भी। आपको पता है
हम जब भी आपके कमरे में आने की कोशिश करते हैं ना, तो अब्बू जान हमें किसी ना किसी बहाने से रोक लिया करते। अब्बू ने कई बार ऐसा मेरे साथ भी किया, लगता है उन्हें हम पर शक हो गया है। या अल्लाह, अगर ऐसा रहा है ना तो हम कैसे मिलेंगे? मैं तो अब तुम्हारे बगैर एक रात भी नहीं रह सकता। एक रात? हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो फिर कैसे मिलेंगे रियाना? वही तो, अब्बू की इतनी उम्र हो गई है, एक पैर कब्र में लटकाए बैठे, अब तो उन्हें आराम करना चाहिए ना। अगर हम उन्हें ये बात समझाएंगे तो उन्हें हम पर और शक हो जाएगा। इसका एक ही इलाज है। क्या? ये लो पुड़िया, जिस तरह तुमने हमें अपना बनाने के लिए अपने भाईजान को इसे पिलाया था ना, वैसे ही अब्बू को भी पिला देना। और वैसे भी अब्बू की तो उम्र हो गई है, वो हमारी इस ऐश भरी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हैं। इसके पीने से अब्बू को नशा आ जाएगा, और अगर वो सीढ़ियों से चढ़े छत पे तो अपने आप ही गिर जाएंगे। और लोगों को तो यही लगेगा ना कि बेचारे बुड्ढे थे, उम्र हो गई थी, घुटनों में दर्द था, बस गिर के मर गए होंगे। और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं आएगा। तो फिर समझो हमारे रास्ते का कांटा हमारे अब्बू इस दुनिया से गए। दोस्तों, एक इंसान सुख पाने के लिए कितना गिर जाता है, इस बात का अंदाजा इन देवर भाभी को देखकर लगाया जा सकता है। एक लड़की जो सुख पाने के लिए अपने पति को मरवा सकती है, वही लड़की अपने पति के रिश्तेदारों को कैसे बख्श सकती है? प्यार में अंधे हो चुके देवर को ये बात दिखाई नहीं दे रही थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार में अपनी भाभी के हाथों पर नाचने वाला एक कठपुतली बन चुका था। अब अपनी भाभी के कहने पर क्या वो अपने बाप को भी मार देगा? और अगर ऐसा हुआ तो उसकी बेचारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? ऐसे ही कई सवाल हमारे और आपके दिमाग में जन्म ले रहे हैं। दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जिए प्यार में और रहें प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। आपने दूध नहीं पिया? क्यों, दूध में जहर मिलाया था? बस अम्मी जान, चिल्लाइए मत। क्या कर रहा था तू? वाह, क्या कर रहा था? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, आप अपने काम से काम रखिए, वरना क्या करोगे तुम? इंस्पेक्टर साहब,